हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे एलपीजी का न्यू गैस कनेक्शन ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड, हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। और फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साइड में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसी तरह हम आपके लिए टेक से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस एलपीजी ऑफिशियल पेज पे आ जाना है। तो इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके इस पेज पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको तीन टाइप के गैस देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो है यहाँ पे भारत गैस है, उसके बाद एचपी गैस और इंडियन गैस। जिस टाइप को आपको कनेक्शन चाहिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमें इंडियन गैस चाहिए, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए, इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड हमारे सामने नेक्स्ट अगला पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर में लिखा गया है रजिस्टर फॉर न्यू कनेक्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा अगर आपको न्यू कनेक्शन चाहिए तो। चलिए, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको करना है न्यू कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे में आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ लिखा गया है, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना। रजिस्टर नाउ पे मैं क्लिक कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, और नीचे में यहाँ पे मेल आईडी, आपको यहाँ पे अपना मेल आईडी भी एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आई एम नॉट रिबूट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। चलिए, यहाँ पे हम ओटीपी को एंटर कर देते हैं। ओटीपी को एंटर करने के बाद फ्रेंड आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, मिनिमम 6 करेक्टर का होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, डिजिट एंड स्पेशल करेक्टर, कुछ इस तरीके का आप पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड हमारा पासवर्ड सक्सेस हो गया है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पे आपने जो पासवर्ड को क्रिएट किया है उसको एंटर कर देना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद रिबूट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एलपीजी पे क्लिक कर देना है। एलपीजी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे सबमिट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। चलिए, यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम पूछ रहा है, यहाँ पे आपको अपना नेम को टाइप कर देना है। उसके बाद मिडिल नेम, यहाँ पे मिडिल नेम टाइप कर देना है। उसके बाद लास्ट नेम। नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, सबसे पहले ईयर को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मंथ को, और यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी लिखा गया है, यहाँ पे आपको रेसिडेंट इंडियन पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सेलेक्ट रिलेटिव, यहाँ पे आप अपने फादर्स का नेम दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम अपने फादर्स को नेम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे फादर्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे फादर्स का फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे सभी को मेंशन कर देना है। और मेंशन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा, हाउस नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है, एड्रेस टू में भी आपको एड्रेस फिलअप कर देना है, यहाँ पे अपना लैंडमार्क। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी, टाउन, विलेज, यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। पिन कोड के बाद ऑटोमेटिक आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर लिखा गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके जो नियर बाय में डिस्ट्रीब्यूटर है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मैप में देखना चाहते हैं इस तरीके से, आप मैप पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम मैप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन नंबर रहेगा, मेल आईडी रहेगा, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, यहाँ से हम बैक कर देते हैं इसको। इसके बाद आपको सेलेक्ट दी प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए, यहाँ पे हम सेलेक्ट दी प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्कीम टाइप पूछ रहा है, यहाँ पे आपको जनरल स्कीम पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, यहाँ पे हम जनरल पे ही क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर आपको थ्री टाइप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पहला 14.2 kg, सेकेंड में 5 kg, और लास्ट में यहाँ 14.2 kg एंड 5 kg। फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर दिए हैं। आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा।
इस सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम चलिए पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैन कार्ड लिखा गया है, पैन कार्ड को मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको एंटर कर देना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे ऐड अटैचमेंट लिखा गया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना पैन कार्ड को अपलोड कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं अपने पैन कार्ड को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से फाइल पे गया, उसके बाद अपलोड कर लिया, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे हमारा पैन कार्ड अपलोड हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे अपना फाइल को अटैच कर देना है आधार कार्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड का फाइल यहाँ पे हम अटैच कर दिया हूँ। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे अगर आपके एरिया में पाइपलाइन है तो यहाँ पे कंसेंट देंगे। चलिए यहाँ पे हम कंसेंट नहीं देंगे, हमारे एरिया में पाइपलाइन नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसको छोड़ने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पे अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है, अगर आप सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो हमें सब्सिडी चाहिए तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका आधार नंबर पूछ रहा है, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर मेंशन कर देना है और यहाँ पे आधार कार्ड का फाइल अटैच कर देना है। इसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना IFSC नंबर और यहाँ पे अपना नेम और अकाउंट नंबर और ये अकाउंट नंबर आपको मेंशन कर देना है और यहाँ पे अपने पासबुक को अटैच कर देना है। तो पासबुक को मैं यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ। स्क्रॉल करके नीचे चलता हूँ। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे अपने राशन कार्ड को भी अटैच कर सकते हैं। तो हमारे पास राशन कार्ड नहीं है जिसको मैं छोड़ देता हूँ और स्क्रॉल करके नीचे चलता हूँ। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से नीचे है तो यहाँ पे आपको कंसेंट देना है। उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन कर देना है। यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर को मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। अगर आपको इसको रीड करना है तो आप इसको रीड कर लीजिए। तो चलिए इसको हम रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। यहाँ पे कंसेंट देंगे। कंसेंट के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर नेम इंडियन गैस में रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें आपको नो द इंफॉर्मेशन इज नॉट राइट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंसेंट देंगे। कंसेंट के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा KYC सक्सेसफुल हो गया है। चलिए हम बैक आ जाता हूँ। यहाँ से बैक आने के बाद फ्रेंड आपको LPG पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे LPG लिखा गया है, LPG पे मैं क्लिक कर देता हूँ। LPG पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपका स्टेटस एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने गैस सिलेंडर को बुक कर सकते हैं और आपसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कॉन्टेक्ट करेगा आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर। इस तरीके से आप LPG कनेक्शन ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, चैनल से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइस नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।